वापस यहाँ इस इलाके में फिर घूम रहा हूँ। 2014 में इन लोगों ने मुझे इलेक्ट किया था, 3 साल की हुकूमत रही। इंशाल्लाह अल्लाह के फाजल से हमने तकरीबन 90% जो रिक्वायरमेंट्स थी, ड्रेन्स थे, आपके रोड्स थे या दूसरी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम था, सब ठीक है। लेकिन मैं उसका मतलब नहीं है कि आज करने के लायक नहीं, सब खराब हो चुका है। पिछले 7 साल में कुछ काम नहीं हुआ है और मैं देख रहा हूँ कि लोग की उमंगें हैं कि एक बार फिर उनका पानी के मसले हैं, रोज़मर्रा के मसले हैं। बेचारों के ऐसे कोई नहीं, बच्चे बच्चियां पढ़ी लिखी हुई हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो जो हम हमेशा कहते थे कि गवर्नर रूल का डिस्कनेक्ट है लोगों के साथ, मुझे उम्मीद है कि अवामी सरकार आने के साथ इन लोगों की उमंगों के मुताबिक काम होगा और इंशाल्लाह जैसे मैंने पहले अपने वादे पूरे किए हैं आप भी पूरे वादे करेंगे। तो हम जो आज कह रहे हैं 5,000 रुपये हम दे देंगे, जो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम उस पर वादा बंद है, इंशाल्लाह पूरा करेंगे। इसी तरह हम वादा बंद है कि आम माफ़ी दे देंगे। जो ये पकड़ दकड़ का माहौल है, नौजवानों को पकड़ा जा रहा है या किसी ने नबे में पत्थर मारा है उसको आज भी थानों में बुलाया जाता है, इंशाल्लाह आम माफ़ी के बाद इनको पासपोर्ट भी मिलेंगे, इनको पुलिस नहीं बुलाएगी और इनको नौकरियों में वेरिफिकेशन भी मिलेगी। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात आपने देखी होगी कि इतने लोगों के बिल बड़े बड़े आए हैं, एक तो मुझे पता नहीं है, मैंने मैनिफेस्टो में मेंशन नहीं किया, लेकिन ज़रूर जो हमारे बीपीएल लोग हैं और बिलो द पॉवर्टी लाइन भी, उसके बिना भी एक क्लास है हमारा, मुझे लगता है जिस तरह हम इंडस्ट्रियलिस्ट को आज अभी इन्होंने कमर्शियल के लिए इंटरेस्ट माफ़ किया, वो करोड़ों में माफ़ करना है इंटरेस्ट ही। यहाँ अगर हम ये बीपीएल वालों को और उससे नीचे जो लोग हैं, अगर उनकी बिलें एक बार माफ़ की जाए, मैं ये देख रहा हूँ शायद हमें उस पर सीरियसली गौर करना पड़ेगा। तो जिसकी आमदनी 3,000 रुपया महीने है, वो कैसे पिछले 40,000 रुपये भरेगा? एक बार तो हमें क्लीन स्लेट करना पड़ेगा और उसके बाद जो फ्री हम 300 यूनिट कह रहे हैं, मुझे लगता है उससे काफ़ी हद तक लोगों को आसाइश पहुँचेगी। पानी की मैं देख रहा हूँ किल्लत है, 10 साल में आबादी बढ़ गई, लाइनें वही हैं, बदलाना पड़ेगा, रिवैम्प करना पड़ेगा सिस्टम। मुझे हमेशा लगता था कि शहर श्रीनगर में बहुत कम काम करने का है, लेकिन जब हम इलाकों में जाते हैं तो हम देख रहे हैं 7 साल में कुछ नहीं हुआ है। तो मैं लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ हम ज़रूर करेंगे। कल हम कुछ एरियाज़ में गए जो अब हमारे साथ नए जुड़े हैं, जहाँ पिछले 15-20 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदों ने, अगर आप देखेंगी, मैंने कल ट्वीट भी किया था, इलेक्ट्रिक पोल आपको दिखेगा।